एमपी के वन विभाग की सैलरी में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। फॉरेस्ट गार्ड्स को जारी की जाने वाली सैलरी में गड़बड़ी हुई है। फॉरेस्ट गार्ड्स को सैलरी में 165 करोड़ का ज़्यादा ये रकम जा चुका है और फॉरेस्ट गार्ड्स पर ब्याज समेत रिकवरी के आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर 6592 गार्ड्स ऐसे हैं जो फॉरेस्ट क्लब की सेवाएं देते हैं, उनसे ब्याज समेत रिकवरी के आदेश दिए जा चुके हैं। वन विभाग की गलती से 8 साल तक मिला है ज़्यादा वेतन। अब इस मामले में देखिए, वसूली का ये आदेश है, कब से कब तक ये वेतन दिया गया है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे वन विभाग की सामने आई है। देखिए, 8 सालों तक इन फॉरेस्ट गार्ड्स को ज़्यादा सैलरी मिली है, अधिक वेतन मिला है। 6592 फॉरेस्ट गार्ड्स ऐसे हैं जिनसे ब्याज समेत रिकवरी के आदेश दिए जा चुके हैं। तो सैलरी में 165 करोड़ का ज़्यादा ये अमाउंट जा चुका है। मध्य प्रदेश में देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ी। एमपी में वन रक्षकों से वसूली होगी कब से कब तक, 2006 से लेकर, ये पूरा ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे अब वन रक्षकों से वसूली करने के लिए तैयारी की गई है। आकाश द्विवेदी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, कब से ये वसूली शुरू होगी? इस वसूली के लिए बकायदा जिला स्तर पर सूची तैयार होगी और इसके बाद ये तय किया जाएगा, जानकारी जुटाई जाएगी कि किन वन रक्षक के पास कितने अधिक पैसे पहुंचे हैं। 6592 वन रक्षकों से ये पूरा वसूली करना है, जिसका जो वसूली का आंकड़ा है 165 करोड़ के आसपास है। अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी है। ये वन विभाग का कारनामा है जो लंबे समय से गलत पे ग्रेड के तहत फॉरेस्ट गार्ड्स को वेतन देते रहे और सैलरी का भुगतान भी किया जाता रहा। जब वित्त विभाग को बकायदा इसका मूल वेतन को लेकर प्रस्ताव भेजा गया तो वित्त विभाग ने इस मूल वेतन प्रस्ताव का परीक्षण किया। इस परीक्षण के बाद यह खुलासा हुआ कि जो पे बैंड निर्धारित था 5200, उस पे बैंड के आधार पर वेतन न देकर 5680 रुपए पे बैंड के अनुसार इन वन रक्षकों को भुगतान किया गया, जिसके चलते बड़ी अनियमितता सामने आई है और 165 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की ओर से अधिक भुगतान इन वन रक्षकों को कर दिया गया है। अब ऐसे में जितने पैसे का अधिक भुगतान हुआ है उसकी वसूली की जाएगी और 12% की ब्याज दर से वसूली करने की तैयारी जो है वो वन विभाग कर चुका है और इस राशि को अब सरकार के खजाने में रखना होगा। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया साल 2014 से जो हुई है उससे लेकर जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पहले मध्य प्रदेश में 2014 के पहले सीधी भर्ती वन रक्षकों की नहीं होती थी, इसमें पदोन्नति का प्रावधान था और जब सीधी भर्तियां हुई तो उसमें पे बैंड में गड़बड़ी पाई गई। देखिए, अधिकारियों ने गलत गणना की और कोषालय से ज़्यादा राशि लगातार जारी होती रही। 165 करोड़ कम राशि नहीं है और अब इसे वसूल कर सरकार के खजाने में जमा किया जाएगा। आकाश, लेकिन जिनको सैलरी गई है फॉरेस्ट गार्ड्स को, उनके जब उनको सैलरी मिली होगी तो उनके अपनी इन्वेस्टमेंट होंगे, अपने प्लान होंगे, तो उनको वसूली से कितने समय पहले इतला किया जाएगा? देखिए, इसका अभी विस्तृत दिशा निर्देश नहीं जारी हुआ है, लेकिन ये तय है कि सरकार जो तय समय सीमा देगी उसके तय समय सीमा तक ही इन्हें वो जो अधिक राशि इनके खाते में पहुंची वो वापस करना होगा। ये राशि मामूली नहीं है, 5 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया के अनुसार राशि का निर्धारण किया गया है और इसी अनुसार इसे वसूलने की तैयारी भी की जा रही है। अच्छा आकाश, यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड से तो वसूली की जाएगी, लेकिन जिन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के चलते ये इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है उनके खिलाफ क्या एक्शन? विभाग के अधिकारी तो वन विभाग के ही हैं। वन विभाग के अधिकारियों की दो तरह की परिस्थिति को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली परिस्थिति यह है कि जो पे बैंड की गणना है वो गलत की गई, 5200 पे बैंड होना चाहिए था, 5680 पे बैंड के मुताबिक भुगतान कर दिया गया, ये भुगतान गलत तो हुआ ही। अब इस भुगतान के गलती के बाद कोषालय से भी अधिकारी जो ज़्यादा राशि तय कर दी गई थी वेतन की, वो राशि जारी करते रहे। इनके ऊपर कार्रवाई की बात वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों वन मंत्री की ओर से अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन असल में जिम्मेदार यही है, क्योंकि मुझे जो सैलरी मिल रही है, या मैं अगर कोई वन रक्षक हूँ, मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि मुझे 400 रुपये प्रतिमंथ सैलरी अधिकार रही है, 500 रुपये सैलरी प्रतिमंथ अधिकार रही है। अब आप 15 साल बाद 8 साल बाद ये कह दीजिए कि 5 लाख रुपये आपसे वसूलेंगे, ये 5 लाख रुपये अगला वन रक्षक कहाँ से लेकर आएगा? क्या उसके पास उनकी सेविंग है या नहीं है, या फिर वो कर्ज लेकर अब सरकार को राशि चुकाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है और ये आने वाले समय में वन रक्षकों के लिए मुसीबत बन सकता है, उनके लिए चुनौती हो सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एमपी में वन रक्षकों से वसूली की जाएगी। 2006 से देखिए 5,680 वेतन बैंड रहा है और अधिक कितना गया, 480 गया है, लेकिन इस 480 के ऊपर 12% ब्याज आपको देना होगा। ये वसूली करेंगे वन रक्षकों से फॉरेस्ट के गार्ड से, और 6,592 ऐसे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं जिनसे ये वसूली की जाएगी। इसके लिए बाकायदा तैयारी भी शुरू की जा चुकी है, लेकिन सवाल ये है क्योंकि देखिए फॉरेस्ट गार्ड्स को जब सैलरी गई होगी 400 से ऊपर की सैलरी, तो उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में उनको इतना बड़ा रकम इसके बदले में भुगतान करना होगा।